एक्शन कॉमेडी एवं पारिवारिक संदेश के साथ बॉलीवुड मसाले से भरपूर फिल्म हमारा स्वाभिमान अमर रहे की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी में एक बेहतरीन सस्पेंस है जो पारिवारिक जीवन में एक बहुत प्यारा संदेश देता है। फिल्म के कलाकार लगभग मध्य प्रदेश के हैं और 1.5 करोड़ की लागत से यह फिल्म बनकर तैयार हुई है। हमारा स्वाभिमान अमर रहे 12 मार्च को देश भर में रिलीज होगी और साथ ही में उज्जैन सिटी प्रेस क्लब पर फिल्म यूनिट ने पत्रकारों से चर्चा की। उज्जैन में वर्तमान समय में वेब सीरीज पारिवारिक माहौल बिगाड़ रही है। यह बात सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित पत्रकार वार्ता में फिल्म से जुड़े कलाकारों व डायरेक्टर ने एवं फिल्म के कलाकारों द्वारा कही गई। हमारा स्वाभिमान अमर रहे एक पारिवारिक फिल्म है और फिल्म 2.5 घंटे की है। फिल्म पूरी तरह से बॉलीवुड मसाला मूवी है जहां फिल्म नारी शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि अधिकांश शूटिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और साथ ही में महाराष्ट्र में की गई है। फिल्म में इंदौर व बेंगलोर के कलाकार भी हैं। फिल्म समाज को आईना दिखाने के साथ ही कई संदेश भी देती है। फिल्म की यूनिट ने बताया कि भारत में 500 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी यह फिल्म। फिल्म का प्रसारण उज्जैन, इंदौर, PVR पर भी होगा और फिल्म के निदेशक दिनेश राजपुरोहित, निर्माता लेखक खुशबू सिंह शकावत और साथ ही में कलाकार आदित्य राज कुमावत और खुशी सोनी हैं। उज्जैन में नहीं हो पाई। आपने लॉन्चिंग के लिए उज्जैन को क्यों चुना? सर, उज्जैन महाकाल की नगरी है तो सबसे पहले हमें यहाँ आना था, बट शूट हम नेक्स्ट कभी भी फिल्म करेंगे तो डेफिनेटली। एक्चुअली सर, हम चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, राजस्थान से भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि रीजनल सिनेमा में जितने भी सिनेमा है सब आगे बढ़े, चाहे गुजराती देख लो, मराठी देख लो, भोजपुरी है, सबसे सब गया, लेकिन सिर्फ साउथ है, सिर्फ दो सिनेमाघर से रिलीज करेंगे पूरे देश में, पूरे देश में एक साथ ही होगा। हाँ, एक साथ रिलीज करेंगे 12 मार्च को सर। बहुत बहुत निकलता हूँ इसमें करनी सेना का क्या करनी सेना जी को तो हमने नाटक बनाए इसको सेंसिटिव नहीं मानो यूएस एल सुना है कोई जाति विशेष का ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सर, अभी क्या है ना, दौर चल रहा है वेब सीरीज का, तो अभी क्या है ना, जैसे आप देखते हो बोल सीन्स वगैरह वगैरह कुछ ज़्यादा हो गए और कुछ ऐसे मंजर कहानी भी थोड़ी जा रही है जो अपने रियल लाइफ से, जो हालांकि नहीं है वैसा। तो वेब सीरीज़ के दौरान क्या है, सेंसर तो है नहीं वेब सीरीज़ का, और उस दौरान क्या है ना, पब्लिक तक वो चीज़ें पहुँच रही है और गलत नेगेटिव फील में वो आ रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कहानी का बनाने का कि जो भी हमें दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है, तो सच्ची। सर, ये बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस विषय को लेकर रखी है और क्या कौन सी फिल्म आप लॉन्च के ट्रेलर के लिए आपने? हमारी फिल्म आ रही है हमारा स्वाभिमान अमर रहे और ये 12 मार्च को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में रिलीज होने जा रही है। ऑलमोस्ट 500 थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं खुशबू सिंह जी, दिनेश राजपूत साहब, और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं खुशबू सिंह जी सत्तावत, मैं फिल्म का लीड एक्टर हूँ अभिराज कुमार, और ये हमारी हीरोइन है खुशी सोनी। कब लॉन्च होगी ये पिक्चर और कहाँ कहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है और कौन कौन कलाकार हैं? ये 12 मार्च को 500 थिएटर्स में रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बस्सी और अपना इंदौर और जयपुर में ये फिल्म शूट हुई। इस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? यूएस सर्टिफिकेट। क्या उद्देश्य है पिक्चर का और क्या मैसेज देंगे आप फिल्म के माध्यम से? सर, एक ये फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म है और फिल्म में समाज के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया है, नारी सशक्तिकरण है तो, और शिक्षा के बारे में, तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे फिल्म को ज़्यादा महत्व दिया गया। आपका नाम रोल के बारे में क्या सोचते हैं, आपने जो रोल किया उसमें निभाया उसको? सर, बेसिकली मैं वैसे पर्सनली राजपूत नहीं हूँ, भाई कास्ट में कुमाऊँ हूँ, लेकिन जब मैं फिल्म का ऐसा 40-50 दिन का शेड्यूल रहा था उस वक्त भी मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ, और जब मैं एक राजपूत की कॉस्ट्यूम पहनता था ना तो मेरा एक सीना है ना थोड़ा सा ऐसा बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिक छाती थोड़ी सी बाहर आ जाती थी और एक जो बाहें होती है थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, क्योंकि एक राजपूत का कैरेक्टर प्ले करना एक बहुत सम्मान की बात होती है सबके लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वो कैरेक्टर आज तक कहीं ना कहीं मेरे जहन से निकला नहीं है, तो अच्छा लगता है कि राजपूत का कैरेक्टर प्ले करके। आपका नाम बताइए, आपके रोल को लेकर क्या बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा मूवी में? मेरे और किसी के साथ आई थिंक लिटरली ज़रा सीन ही थे, दो सीन्स थे आई थिंक, बट जो सीन दिए, ये अभी नई लड़की है, मतलब 20-22 साल की नई लड़की है, बट इसने जो किया ना वो मतलब सर एक जो मजा हुआ आर्टिस्ट था ना वही कर सकता है, तो वो अच्छा आर्टिस्ट।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से राज जोशी की रिपोर्ट।